हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और शक्ति टेक शक्ति में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टो कपलर से LDR बनाना सीखेंगे और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसके बारे में मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। ये शुरू करते हैं। देखिए, ये एक LDR है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑप्टो कपलर इस प्रकार का होता है, इससे भी LDR का काम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये ऑप्टो कपलर है जिसकी एक साइड की लेग टूट गई है, पर मैं इसको फेंकूंगा नहीं। आज इसको मैं LDR में बदलकर इसका सही इस्तेमाल करूंगा और वो आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे काटेंगे, इस साइड की ये हमारे काम आएगी। फ्रेंड्स, हम इसका एक और दो नंबर पिन को छोड़ देंगे, तीन और चार नंबर पिन को हम ध्यान से काट लेंगे। इस प्रकार से मैंने कुछ इस तरह से इसको काट लिया है। आप भी इसको इस प्रकार से काट लीजिए और यह देखिए, ये जो इसके अंदर होल दिखाई दे रहा है, इस पर लाइट पड़ेगी तो ये सेंस करेगा। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ, और आप भी इसको इसी तरह से तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करके एक बेसिक सर्किट बना लेते हैं, जैसे कि रात को ऑटोमेटिक लाइट जल जाए और दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसके लिए कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक 470K की रेजिस्टेंस, BC548 ट्रांजिस्टर और एक LED की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। तो चलिए हम सर्किट तैयार करते हैं। ये हम 12 वोल्ट के तार लगा रहे हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है। तो देखिए, हमारी LED चल गई है। फ्रेंड्स, ये LED इस समय ऑन है। मान लीजिए कि इस समय रात का टाइम है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और देखिए, ये जो LDR है, इस पर हम लाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो देखा आपने कि एक ऑप्टो कपलर से भी LDR बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।